देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पहली बात तो सर्वाइकल होने के कारण क्या है। सर्वाइकल होने का सबसे पहला आज के अगर देखा जाए तो वो कारण है पॉस्चर की गड़बड़ी। पॉस्चर अगर गड़बड़ तरीके से हम बैठते हैं या अपने गर्दन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण आज के डेट में। और दूसरा कारण ये हो जाता है कि जो थोड़ा सा एज ज़्यादा हो तो उनके प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी के कारण सर्वाइकल हो जा रहा है, उम्र दराज लोगों को होता है। तीसरा कारण होता है किसी कारण से हैंजरी हो जाए, या एक तरफ से आपको किसी तरीके से चोट लग गई, या एक ही तरीके से आप किसी तरीके से बैंड करके आप इस्तेमाल कर लिए, तो ये कारण होता है। तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो कारण आपको हमको देखने को मिलता है वो है पॉस्चर की गड़बड़ी। उस पॉस्चर की गड़बड़ी में होता क्या कि आप घंटों, आप आज तो ऑनलाइन की क्लासेस सबकी चल रही हैं, घंटों लोग बैठे हुए हैं लैपटॉप में, ऑफिस में बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, घंटों काम कर रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि उनका पॉस्चर एक तो गड़बड़ होता है, झुके हुए वो अपना काम करते हैं। दूसरी उनकी सबसे बड़ी जो गड़बड़ी होती है, उनको उस दौरान किसी भी प्रकार का मोशन, जैसे मान लीजिए उनको स्टूल लगा हो या यूरिन लगी हुई हो, तो वो क्या करते हैं, अपने काम को छोड़ना नहीं पसंद करते हैं, सोचते हैं कि इसको कंप्लीट करना है तब मैं जाऊं। यूरिन उस दौरान लगा और वो अगर नहीं पास करते हैं तो सर्वाइकल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, ब्रेन पे इफेक्ट आता है। तो इन आदतों को लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि हम जब भी इस्तेमाल करें तो हमारा जो ये सर्वाइकल का जो स्पाइनल कार्ड है ये मुझसे थोड़ा सीधा रहे, या अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट के बाद थोड़ा इसको रिलैक्स दें कि थोड़ा हम इससे हट करके इधर उधर थोड़ा देख लें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लें। ऐसा करने से सर्वाइकल से बचा जा सकता है। अगर हम इस चीज को नहीं करते हैं तो 100% जो है सर्वाइकल से प्रॉब्लम होनी है। सर्वाइकल होने के बाद आपका सर भारी होना होगा, शोल्डर पेन हो सकता है, हाथों में भारीपन आ सकता है, चक्कर सी स्थिति आ सकती है। आज तो सबसे बड़ी बात बच्चों में आ रही है कि उनके आंखों की रोशनी कम होने लगी। आप सोच नहीं सकते कि आंखों की रोशनी सर्वाइकल के कारण से क्यों हो रहा है। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे लोग आए, डॉक्टर साहब जो है ये बच्चे की जो है अभी पढ़ने में इसको दिक्कत होने लगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, एक तो खाने पीने की भी तो गड़बड़ी, दूसरा घंटों मोबाइल लेके बच्चा बैठा पड़ा, तो उसकी जो रोशनी आ रही है उससे भी उसको इफेक्ट हो रहा है। तो इससे बचने की जरूरत है, पहला काम तो इससे बचने की जरूरत है। और अगर हम, मेरी मजबूरी ही है कि हमें पढ़ना है कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, ठीक है वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके 10 मिनट 5 मिनट के अंतराल पे अपने सारे शरीर को रिलैक्सपन जरूर देंगे। 5 मिनट दो जरूर देना चाहिए, 5 मिनट रिलैक्स दीजिए, फिर आप अपने काम को करिए। घंटे भर काम कर लिया, 5 मिनट अपना रिलैक्स दे दिया, ऐसे करने से इससे बचा सकता। अब रहा सवाल, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएशन आ ही गया तो हम कैसे इससे थोड़ा हम मुक्ति पा सकते हैं या उसे आराम ले सकते हैं, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में बहुत छोटा सा उपाय है जिससे बचा भी जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। तो जिसको पोस्चर की गड़बड़ी के कारण है थोड़ा वो अपने को ठीक करे, और कुछ मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा जिससे आप सर्वाइकल की परेशानियों से बच सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं अपने आप को। तो उसके लिए आपको एक पेपर टेप लेना होगा जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप पे, और उसमें करना क्या है कि आपको एक छोटा सा टुकड़ा, सपोज करिए आपकी फिंगर के इतना बड़ा टुकड़ा आप ले लेंगे और किसी कैंची से या आप काट लेंगे, जैसा कि मैं काट रहा हूँ। आप देखिए इतना बड़ा पीस मैंने एक टुकड़ा ले लिया। अब आपके किचन में मेथी सीड्स होते हैं, जो मेथी जो मसाले में इस्तेमाल करते हैं घर की महिलाएं, उसको आप थोड़ा सा ले लेंगे और इस टेप पे ऐसे चिपका देंगे, ऐसे देखिए मैंने चिपका दिया, दिख रहा होगा आपको ये। अब इस सीट को करना क्या है आपको, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की जो अंगूठे हैं और यहां से जो बैंड कर रहा है, ये बैंड से और नीचे का जो बैंड कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपको इस सीट को चिपका देना है टेप के माध्यम से। मैं चिपका के आपको दिखा भी देता हूं, ये मैंने चिपका दिया, दिख रहा होगा आपको। इसको आप चिपका देंगे और हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर एक बार दोबारा दे देंगे, इससे आपको सर्वाइकल की जो भी आपको परेशानी होगी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दूसरा, इसमें एक छोटा सा उपाय और करना होगा, आप मेरे उंगलियों को देखिए, ये दो उंगलियां ठीक है, और इसके बीच में ये जगह थोड़ा सा दिख रहा है,
ये जगह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग यूरिन नहीं पास करते हैं उस दौरान अपने वर्क के दौरान, तो यूरिन में भारीपन आने के कारण से भी सर में और सर्वाइकल में दिक्कत आती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको अपने हाथ से ही अंगूठे से ऐसे 10 बार प्रेशर कर लेना है, बस ये छोटा सा ये उपाय कर लें जिससे सर्वाइकल से पूरा उनको आराम मिल सकता है। यहाँ तक कि सर्वाइकल में जो नस कंप्रेस हो जाते हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है इस चिकित्सा के माध्यम से। कुछ मैग्नेट सिस्टम लगाने पड़ते हैं मैग्नेट थेरेपी के तरीके से, और कलर कुछ लगाए जाते हैं जिससे बिल्कुल आराम मिल जाएगा उनको, कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। चक्कर आता है चक्कर बंद हो जाएगा, उल्टियां किसी किसी को आती हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो, तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको करके अपने आप को ठीक किया जा सकता है। इसको करने में कोई खर्च नहीं लगता, निःशुल्क आपको एक पैसे का भी खर्च नहीं है, और स्वयं अपने आप से आप ठीक हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी आपको नहीं होंगे। ये लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये लगा रहे हैं साइड इफेक्ट, इस चिकित्सा के दौरान कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता।